हेलो गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज़ मनीष एंड यू वाचिंग मनीष फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रीपेड एंड पोस्ट पेड में क्या डिफरेंस होता है। हम इसके सारे फैक्टर्स में बात करेंगे, मतलब इजीली मैं आपको बताऊंगा कि प्रीपेड और पोस्ट पेड क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो होप आपके पास एक प्रीपेड सिम होगी। आपको ज़रूर पता होगा कि आप जो यूज़ कर रहे हैं सिम, जैसे मैं भी अभी जो सिम यूज़ कर रहा हूँ, वैसे ज़्यादातर इंडिया में जितने भी लोग हैं सिम्स यूज़ करते हैं, सारी की सारी ही जो सिम्स रहती हैं वो सब प्रीपेड ही रहती हैं, क्योंकि पोस्ट पेड बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं। अब इसका रीज़न आप पूछेंगे क्या होता है, मतलब देखिए, प्रीपेड का सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर मतलब बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले प्रीपेड का अगर हम मतलब जानेंगे तो यहाँ पर आपको इजीली बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए, प्रीपेड के सबसे पहले हम नाम को जानते हैं, प्री पेड। तो देखिए, जो प्रीपेड है, इसके नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि क्या होता है। देखिए, प्री मतलब क्या होता है, पहले। प्रीपेड मतलब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, प्रीपेड जो हम यूज़ करते हैं सिम्स, हमें क्या करना पड़ता है कि पहले रिचार्ज करवाना पड़ता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इजीली यूज़ कर पाते हैं जितने भी दिन का हम जितना भी रिचार्ज करवाते हैं, मतलब चाहे डेटा प्लान हो, चाहे रिचार्ज प्लान हो, चाहे कोई भी कॉलिंग वगैरह कुछ भी हो, वो हम जब रिचार्ज करवाते हैं उसके बाद ही हम उसे यूज़ कर पाते हैं, उसके मतलब कि वैसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं हम पोस्ट पेड पे। तो जैसे कि मैंने प्रीपेड आपको बताया है, तो आपको यहाँ पर प्रीपेड जैसे ही समझ आया होगा, वैसे आप पोस्ट पेड भी समझ गए होंगे। तो देखिए, पोस्ट पेड में क्या होता है, देखिए पोस्ट पेड भी लगभग मतलब प्रीपेड जैसी सिम ही होती है, ऐसा कोई भी अलग ऐसी सिम नहीं होती, मतलब जस्ट सिम सेम ही होती है। जैसे प्रीपेड सिम होती है हमारी, वैसे पोस्ट पेड सिम दिखने में होती है पोस्ट पेड, बट इसमें डिफरेंस इतना होता है कि यहाँ पर आपको क्या होता है कि मंथली डेटा रेट्स आते हैं, मतलब मंथली आपके जो रिचार्जेस के प्लान्स वगैरह आते हैं, मतलब जैसे कि आपने पूरे मंथ, मान लीजिए आपके पास पोस्ट पेड सिम है एयरटेल की या फिर जियो की किसी की भी, अब आपको क्या होता है कि पूरे मंथ आपने जितना भी डेटा यूज़ करा है उसका एक मतलब कि जो मंथली डेट रहती है कुछ फिक्स रहती है, वहाँ पर आपका जो डेटा प्लान मतलब जो आपका जो सर्विस का पूरा चार्जेस है वो आ जाता है, और आपको यहाँ पर बिल पेमेंट करनी पड़ती है। तो जस्ट दोनों में इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पर आपको पहले प्रीचार्ज करवाना पड़ता है और यूज़ करना पड़ता है, एंड सेकेंड जो जो प्रीपेड में मतलब कि आपको पहले रिचार्ज एंड यूज़ आता है, और यहाँ पर पोस्ट पेड में आपको बस क्या करना पड़ता है कि मंथली यूज़ करो एंड रिचार्ज पे करो। तो जस्ट इतना ही डिफरेंस है। सो होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार वीडियो।